नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज दिल्ली में महापंचायत बुलाई है, जिसके जरिए केंद्र को घेरने की तैयारी है। एसकेएम के बैनर तले 3 साल बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान फिर जुटने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक हजारों किसान रामलीला मैदान में महापंचायत करेंगे। इस महापंचायत के लिए 11 राज्यों से ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के करीब 20,000 सदस्य रामलीला मैदान पहुंचने वाले हैं, जहां अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर किसान महापंचायत करेंगे। किसान महापंचायत को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की करीब 25 कंपनियां तैनात हैं, तो वहीं ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP पर कानूनी गारंटी की मांग के साथ साथ किसानों की समस्याओं को लेकर यह पंचायत आयोजित की जा रही है। किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने कहा, केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को हमें लिखित में दिए गए आश्वासनों को पूरा करना चाहिए और किसानों के सामने लगातार बढ़ते संकट को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाना चाहिए। SKM ने केंद्र की ओर से बनाई MSP पर समिति को भंग करने की भी अपील की। आपको बता दें, जो उनकी 10 मांगे हैं उनमें से स्वामीनाथ आयोग की सिफारिश पर MSP की कानूनी गारंटी के लिए नई समिति, उर्वरकों और फसलों पर लागत में कमी की मांग, कृषि के लिए मुक्त बिजली दी जाए, लखीमपुर खीरी कांड में एक्शन हो, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को मुआवजा, सभी फसलों के लिए फसल बीमा व मुआवजा पैकेज, किसानों और खेत मजदूरों के लिए किसान पेंशन योजना, आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाएं, सिंधु बॉर्डर पर जान गंवाने वाले किसानों के स्मारक के लिए जमीन। वहीं आपको बता दें, इस पंचायत के लिए दिल्ली पुलिस ने भी कमर कस ली है। रामलीला मैदान के आसपास ट्रैफिक के भी प्रभावित होने की आशंका है, जिसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को आगाह किया है। खासकर नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, कश्मीरी गेट, बस अड्डा और LNJP व कस्तूरबा हॉस्पिटल आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर ITO, दिल्ली गेट, राजघाट, दरियागंज, पहाड़गंज, कनॉट प्लेस, मंडी हाउस और इंडिया गेट समेत आसपास के कई इलाकों में भी देखने को मिल सकता है, जहां सुबह और शाम को कंजेशन बढ़ सकता है। तो वहीं आपको बता दें, ट्रैफिक पुलिस ने करीब 20,000 किसानों के जुटने का अनुमान लगाया है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं का दावा है कि 1 लाख से ज्यादा किसान इस महापंचायत में शामिल होंगे। दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण भारत तक के राज्यों से भी किसान दिल्ली पहुंच सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।